यमुनानगर के गांव पावनी खुर्द में संगीनी परिस्थिति में हुई रोशन लाल नाम के एक व्यक्ति की मौत। गांव में ही पेड़ पर लटका मिला रोशन लाल का शव। जिन्होंने गांव के ही दो लोगों पर रोशन लाल की हत्या की उनकी लाश पर पेड़ पर लटकाने का लगाया आरोप। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर धारा 302 के तहत गांव के ही दो लोगों को दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। मेरा नाम मनीष कुमार है, सनम सिंह रोशन लाल, गाँव पावनी खुर्द का रहने वाला हूँ। वो दो बंदे थे, घर से बुला के लेके गए थे कौन, मेरे डैडी को नरेश और कुलबीर, और दोनों बुला के लेके गए थे। शाम लग उन्होंने ये नहीं पता उसके साथ क्या किया, क्या सलूक किया हमें क्या मालूम, और शाम को उसको मार के उधर लटका दिया हमें। हाँ, पे लटकाया था पेड़ के ऊपर, लटकाया था रोड के ऊपर इधर, हमें इंसाफ चाहिए। और एस एच ओ भी मौजूद थे वहाँ पे, इन्होंने इंक्वायरी क्यों नहीं किया, एस एच ओ को सजा मिलनी चाहिए, एस एच ओ को भी। अभी आप एस पी साहब से मिल गए हैं, क्या बात हुई? एस पी साहब ने 4 घंटे की मोहलत दिया, उनको अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट होंगे बॉडी ले जाएंगे। ऐसे बैठे हैं गाँव पावनी खुर्द में, और रोशन लाल पेड़ के साथ लटक रहा है, इस पर हम जिस सूचना पर हम गांव पावनी खुर्द पहुँचे मौकापुर, वहां पर मृतक रोशन लाल की पत्नी गुड्डी ने अपनी शिकायत दी, बयान लिखवाया, जिस पर हमने 302 का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपियों को जल्दी ही गिरफ्तार कर लेंगे। दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, नरेश और कुलबीर, दोनों गांव पावनी खुर्द के रहने वाले। यमुनानगर से कैमरामैन के साथ हरिंदर सिंह, सबसे फास्ट आमने सामने।